जी एक्चुअली जिन लोग एससी एनआरसी में जिन लोगों की जान गई है, जो शहीद हो गए हैं, उन लोगों के लिए हमारे तरफ से ये एक ट्रिब्यूट है जो इंडिया गेट पे हम उन लोगों का नाम भी लिखेंगे और उन लोगों का ही मतलब हमारे तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम आर्टिस्ट लोग इस फ्रंट पे नहीं जा सकते हैं तो हम लोग अपने आर्ट के फॉर्म में अपनी तरफ से ट्रिब्यूट करते हैं। कितने दिन लग गए आपको इसको बनाते हैं? एक हफ्ता लग गया। एक हफ्ता लग गया। इट्स लाइक 24/7 वी आर वर्किंग। अच्छा, आप लोग कितने साथी हैं? मिनिमम 10। अच्छा, आप सब जामिया के स्टूडेंट? नो नो नो, अच्छा सारे जामिया के नहीं है। मैं जामिया से पास आउट हूँ, मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया है। अच्छा गुड। यस, आई जस्ट डू कैलीग्राफी, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट एक्चुअली। अच्छा, बस यहाँ पे कर। लेकिन मैंने देखा है कि आप काफी इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी लेकर के इसमें आप शामिल थी। आप फाइन आर्ट की स्टूडेंट नहीं है, उसके बावजूद आर्ट से आपकी दिलचस्पी जो हो पा रहा है, जिससे भी जो हो पा रहा है सारे लोग कर रहे हैं, वही मेरा भी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आपके जहन में कैसे आया ये, आप लोग क्यों बना रहे हैं? सर, ये आइडिया मेरा नहीं था एक्चुअली, जो इसके ये ऑनर है, जो इनके ऑनर है जिन्होंने मुझे हमें बताया था बनाने के लिए, उनका आइडिया था इंडिया गेट बनाने। इससे पहले भी इंडिया गेट बना था, वो काफ़ी छोटा था, अब उसको ज़्यादा बड़ा में बनाते हैं, ज़्यादा टाइम तक है। तो ये मेडल का वाले बनाया था, इसके पीछे का आइडिया ये था कि हमें ये करना है, जितने भी NRC वगैरह हमारे प्रोटेस्ट में जो दो महीने से प्रोटेस्ट चले, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग शहीद हुए हैं इस प्रोटेस्ट में, उनका नाम लिखने के लिए और उनको उनके लिए करने के लिए। आपका नाम क्या है? जी फैज नाम है मेरा। फैज? जी फैज। जामिया के स्टूडेंट? जी मैं जामिया के स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। मैं पास आउट हुआ हूँ 12th से। चलिए गुड, थैंक यू। काम करते